सोडी प्रोडक्शन हाउस पेश करते ने। ते हुण मैं बाबा बूटा सिंह जी जिन्हां दे बड़ वडेरे बरात विच आए सन, पहला मैं उन्हां नूं बेनती करांगा निशानी बाद विच पहला उह दसण वी तुहाडे किहड़े बजुर्ग आए सन ते इस साडे बिलगे नाल तुहाडा किवें संबंध है। जदों असीं तुहाडियां सीसां नाल एक फिल्म बनाई वेखीए बरात पंचम पातशाह दी, वो फिल्म फतेह टीवी धनवाद है इन्हां दा, होर भी चैनल दिन रात उन्हां चैनलों ने दिखाई, बाहरलियां चैनलों ने भी उन्हें दिखाया, तां ही तुसीं अज वेखदे हो बसां भर भर के बिलगे नूं आउंदियां ने दूर दरेडे, क्योंकि मीडियो दा युग है। बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां खोज करके मैं उस फिल्म विच दिखाईयां जिहड़ियां बिलगे विच नहीं हन, ते जदों वो फिर फोन करदे ने भई भाई साहब रथ नहीं है बिलगे, फिर मैनूं पता लगता है भी संगत बिलगे पहुँच गई है। जदों मैं उन्हां चीज़ां की खोज कर रहा सी भी बिलगे विच बरात आई, बजुर्ग कहिंदे रथ आया सी, वो रथ कित्थे होएगा, वो सारा समान कित्थे होएगा, उदों बाबा बूटा सिंह जी नाल मेरा संबंध इन्हां नूं मैं तोड़ लिया सी। सतसंगीओ, बहुत बड़े बड़े तकड़े जिमीदार ने, गुरु अर्जन देव पातशाह जी की एडी बख्शिश है, पर निम्रता इन्हां विच इन्नी है ते जदों संगतां कुछ बुलांदियां शरदा नाल वेखो, दसरिया ने बेनती की ते सारियां महाराज दी निशानियां लैके आप संगत विच आ गए। तुहानूं दसण कौन इन्हां दा बरात विच आया सी ते ई समान तुहाडे कोल किवें आया। बाबा बूटा सिंह जी आओ जी, तुसी संगतां विच आओ, मैं बेरां नूं बेनती सहयोगियां नूं करांगा बैठ जाओ बई, सारी संगतां आनंद लै लैण। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी दे विच, दूरों नेड़ों चल के संगतां सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे बरात समागम दे विच पहुंचियां, कदम कदम लेखे लाउण सतगुरु, सतगुरु सच्चे पातशाह अपने दरों करों सिखी जीवन बख्शण, नाम दियां दातां बख्शिश करन। बहुत बहुत बधाई होवे सारी संगत नूं। सो चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज दे सिख होए ने भाई आकुल जी, जेड़े गुरु साहिब जी दे चरणां दे पौरे सन, जिन्हां दा नगर वड्डा घर सी डरोली भाई की दे लागे, उन्हां दे घर दे विच बच्ची पैदा होई जिस दा नाम बीबी सूरती रखिया गया। बीबी सूरती दा रिश्ता भाई साधु जी नाल होया ते उन्हां दे घर सपुत्र पैदा होया भाई रूप चंद जी, जिहड़े छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे समें गुरु साहिब जी दे वर दे नाल उन्हां दा जन्म होया। सो बाबा रूप चंद जी दे नानका परिवार पहला ही सिखी नाल जुड़े हुए सन। भाई आकुल जी पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज की बरात दे विच सतगुरां दे नाल पहुँचे सन। सो साडे वड्ड वडेरे उस समय तो जवानी हड बीतियां साखियां सुनाउंदे रहिंदे ने, जो कि हो सकदा इतिहास दे विच ना भी लिखिया गया होवे, पर सीने वसीने साडे बजुर्गां ने, साडे परिवार दे बजुर्गां ने, बाबा रूप चंद जी दे नानका परिवार ने, नाने ने, भाई आकुल जी ने इस बरात दे विच जो गुरु अर्जन देव महाराज जी दे नाल बरात दे विच आए सन। सो दास भाई रूप चंद जी दी 13वीं बंस दे विच जिस रथ दे विच बैठ के माता गंगा जी बाबा बुढ़ा जी कोलों वर मंगण गए सन, पहला गुरु अर्जन देव महाराज जी उस रथ नूं लै के
इस स्थान ते पहुँचे सन जदों माता गंगा जी नूं व्याहुण गए सन। सो उस रथ दे उपर पाया होया छाड़ अज आपां दर्शन करांगे। जदों माता गंगा जी दे माता जी ने अपनी धी माता गंगा जी दी डोली तोरी तां उस समय अपने दोने अंगूठे केसर कस्तूरी दे लवेड़ के शगन कीता सी, जो उस रथ दे छाड़ दे उपर भी अज आपां दर्शन करांगे। सो मैं बेनती करां सोढ़ी साहब नूं कि उह इतिहास ते आपां दर्शन करवाईए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਧਨਵੰਤੀ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਤੋਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਸ ਰੱਥ ਦਾ ਛਾੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਰੱਥ ਦਾ ਛਾੜ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬਈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੋਤਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਡੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਠੀਆਂ ਸਲੋਤਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਤਰ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਸ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਰਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹਿ ਜਹਿ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾ ਤਾ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਵੈ,
जो जो कहे ठाकर पै सेवक तत्काल होया वै रहाओ। ते सेवक हो बलिहारी जो अपने प्रभावै तिसकी सोई सुने मन हरिया तिस नानक परसन आवै। लो जी हुण एक माता जी दी होर बड़ी प्यारी दी निशानी मैं तुहानू दिखावां। बेनती करांगा माता गंगा जी दी खड़ाम उहदे तुसी दर्शन करोगे। हुण तुसी दर्शन करोगे धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे चरणां दीआं खड़ावां। बहुत भागां वाले हो जो गुरु जी दे चरणां दीआं खड़ावां दे उहनां दे दर्शन करोगे। बोले सोनिहार। संगत जी, गुरु अर्जन देव पातशाह कीर्तन दे दाते ने, ते हुण तुसी वेखोगे जिस रवाब दे नाल गुरु अर्जन देव पातशाह श्री हरिमंदर साहब विच बैठ के भी कीर्तन करते रहे वो रवाब उहदे तुसी दर्शन करोगे। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी रवाब। इस रवाब की यह खासियत है ये लकड़ दे इक्को ही पीस दे विचों बनी हुई है। बहुत पुरातन रवाब साडे लई इसलिए भी भागां वाली है कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे हाथ इस नाल सोए होए ने। गुरु अर्जन जी इस नूं बजांदे रहे। सत श्री अकाल। कोई नहीं दे दे तू।